हाय एवरीवन, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 32, जो कि एक डिविडेंड की टैक्सेबिलिटी के बारे में पूछ रहा है. एंड द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लीज रेफर द डिस्क्रिप्शन एंड डाउनलोड द क्वेश्चन फाइल. क्वेश्चन नंबर 32, डिविडेंड मिला है एसएससी को, क्या टैक्सेबल होगा? देर वॉज सेक्शन 1034. 1034 कहता था, 10 मतलब एग्जेम्ड इनकम का था. 1034 बोलता था कि अगर आपको डिविडेंड मिला है फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी तो इट शुड बी एग्जेम्ड, क्योंकि इसके ऊपर सीडीडी लग जाता है, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स. कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स का सेक्शन इंपॉर्टेंट है, 115O. याद करने की कोशिश कीजिएगा, 115O, विच सेज कि एनी डोमेस्टिक कंपनी हु आर डिक्लेयरिंग और पेइंग डिविडेंड हैज टू पे सीडीटी, जिसको हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी बोलते हैं. क्योंकि डिविडेंड के ऊपर कंपनी ने टैक्स पे कर दिया, इसीलिए वो शेयर होल्डर के हाथों में एग्जेम्प्ट था. बट एज पर द न्यूली इंसर्टेड प्रोविजंस अंडर इनकम टैक्स एक्ट, अगर आपको एग्रीगेट डिविडेंड पूरे साल में 10 लाख से ऊपर मिलता है तो इट इज टैक्सेबल एट अ स्पेशल रेट एक्सेस ऑफ ओवर 10 लाख. 10 लाख से जितना ज्यादा होगा उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा एट रेट ऑफ 10%. तो इन दिस क्वेश्चन सेज दैट एक्स वाई जेड लिमिटेड अ डोमेस्टिक कंपनी डिक्लेयर्स डिविडेंड ऑफ 150 लाख फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द सेम ऑन 31/7/18, और कंपनी ने इसके ऊपर सीडीडी भी दे दिया होगा. मिस्टर ए होल्डिंग 10% शेयर्स रिसीव डिविडेंड ऑफ 15 लाख. इनको 15 लाख का डिविडेंड मिला है. कोई और डिविडेंड भी अगर मिला होता इन्हीं को तो वो भी एग्रीगेट कर लेते, बट क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ इस 15 लाख के बारे में ही बातें की गई है जो मिस्टर ए को मिला, इट विल बी टैक्सेबल, बट सिर्फ कितना? इन एक्सेस ऑफ 10 लाख, दैट इज 5 लाख, एट अ रेट ऑफ 10% प्लस 4% सेस. उसी तरफ मिस्टर बी हैं एंड दैट पर्सन इज होल्डिंग 5% शेयर, और इनको डिविडेंड मिला है 7.5 लाख. क्योंकि ये डिविडेंड 10 लाख से ज़्यादा का नहीं है, दैट इज़ द रीज़न उनके लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा 1034 में. अगेन इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, प्लीज़ जल्दी से कर लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 32, प्रेजेंटेशन आप साइड में देख सकते हैं. थैंक यू सो मच.